बिलासपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने इस रैली को जनता को गुमराह करने वाली और चुनावी स्टंट रैली करार दिया है। नरेश ठाकुर ने दो टूक शब्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शिलान्यास और उद्घाटनों पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि यूपीए सरकार के समय में भी ऐसी घोषणाएं की गई थी और आज जो भी घोषणाएं की जा रही हैं वे सब पुरानी स्कीमों को नया रूप देकर जनता के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। साथ ही नरेश ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए मंच से बेतुकी बयानबाजी नहीं करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन पर भी कई संगीन आरोप लगाए गए थे। जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने बिलासपुर की रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पुरानी योजनाओं को नया रूप देकर जनता के सामने प्रस्तुत करने की बात कही। उन्होंने कहा कि चुनावों के नजदीक आते ही मोदी को एम्स ट्रिपल आईटी की याद आई जो जनता को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है। आज जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो आज बिलासपुर में रैली हो रही है वो एक तरह से असफल रही और आज ही क्यों ऐसी जरूरत पड़ गई कि उनको हिमाचल प्रदेश में एम्स की आधारशिला रखने के लिए आना पड़ा। आज जब विधानसभा के चुनाव नज़दीक हैं और ये एक चुनावी स्टंट कह सकते हैं कि हिमाचल की जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है और जहां तक एम्स की बात है, चाहे एम्स है, चाहे आईआईटी, चाहे आईआईएम, जब यूपीए की सरकार केंद्र में थी और माननीय पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो उसमें ही ये इसकी घोषणा की गई थी कि पूरे देश में हर प्रदेश के अंदर आईआईटी, आईएम और एम्स का खोले जाएंगे, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। परंतु जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि हमने हिमाचल को दिया है, तो इससे पहले भी यूपीए की केंद्र सरकार ने ऐसी घोषणाएं की थी और आज अगर किसी भी चीज़ के उद्घाटन या घोषणाएं की जा रही हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई नई घोषणा नहीं कर रहे हैं, परंतु यूपीए की केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको ही उनको नया प्रारूप देकर लागू किया जा रहा है। और हिमाचल प्रदेश में आने वाले विधानसभा चुनावों में ये जो हिमाचल प्रदेश की जनता है वो गुमराह नहीं हो सकती, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की सरकार ने और यूपी की केंद्र की पूर्व सरकार ने बहुत कुछ हिमाचल प्रदेश के लिए दिया गया है। परंतु जब केंद्र में भाजपा की सरकार आई थी तो इन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी कि रोजगार के साधन दिए जाएंगे, भ्रष्टाचार मिटाएंगे, काला धन वापस लाएंगे और प्रत्येक व्यक्ति के खातों में 15-15 लाख रुपये डाले जाएंगे। परंतु ऐसा 3 वर्ष के कार्यकाल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना आज कोई नए रोजगार के साधन युवाओं को दिए गए, ना तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है, ना तो महंगाई कम की। उल्टा आज आप देखेंगे कि चाहे डीजल के दाम है, चाहे पेट्रोल के दाम है, चाहे गैसों के दाम है, आज चरम सीमा पर हैं और आज आम जनता जो है वो अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है कि रोजगार के नाम पर, महंगाई के नाम पर। और 3 वर्ष के कार्यकाल में सिर्फ भाजपा की केंद्र की सरकार ने घोषणाएं की हैं और उसके अलावा कुछ भी ऐसा आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए नहीं किया है। और हिमाचल प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार 2018 में रिपीट होगी। भाजपा के इन जो चुनावी स्टंट हैं और ये जो घोषणाएं हैं ये मात्र कोरी हैं और जो हिमाचल की जनता है आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका जवाब जरूर देगी। नरेश ठाकुर ने आरोप लगाया कि जब 3 साल पहले केंद्र में बीजेपी की सरकार बनी थी तो बड़े बड़े वायदे किए थे, लेकिन आज ना तो रोजगार दिया जा रहा है तो भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है, महंगाई भी चरम पर है, जिससे जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार केवल घोषणाओं की ही सरकार है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री को एक अपने पद की गरिमा के अनुसार ऐसा नहीं कहना चाहिए कि इस तरह से प्रदेश सरकार के ऊपर नहीं बोलना चाहिए, परंतु जब वो भी खुद मुख्यमंत्री थे गुजरात में तो उनके ऊपर कितने आरोप लगे थे। इस तरह से इस उच्च पद पर बैठकर ऐसी बातें माननीय प्रधानमंत्री जी को शोभा नहीं देती है कि हिमाचल प्रदेश की सरकार के खिलाफ या माननीय मुख्यमंत्री के खिलाफ ऐसा कहें।